हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद ज़ुबैदा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कद्दू की सब्ज़ी। कद्दू को हमने इस तरह से काट लिया है। ये हमने उसके लिए 1 मीडियम साइज़ की टमाटर चॉप करके रख लिया है। हाफ़ टी स्पून मेथी ली है, हाफ़ टी स्पून अजवाइन ली है, हाफ़ टी स्पून साबुत जीरा लिया है, 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, 1 टीस्पून हल्दी ली है और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर यानी रेड चिल्ली पाउडर, और ये रेड चिल्ली फ्लेक्स लिया है 3 से 4 सूखी लाल मिर्च, और ये 1 बिग साइज़ की अनियन ली है, प्याज इसको हमने रफली चॉप करके रख लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने कढ़ाई को गर्म करके इसमें हाफ़ टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लिया है। इसे गर्म होने देंगे। आपके पास जो भी ऑयल हो आप वो ऑयल यूज़ करिएगा। यहाँ पे हम मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहे हैं, सरसों का तेल, ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं करना है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे थोड़ी सी हींग और ये सारे सूखे मसाले। अब ये हो गया है, अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। जब यह हल्की गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो इसके बाद इसमें गार्लिक ऐड करेंगे, यानी कि लहसुन। अब हमने इसे एक मिक्सी के जार में हमने इसे निकाल लिया है प्याज को, और इसे ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे हम फाइन पेस्ट इसका बना लेंगे, पीस लेंगे। साथ साथ इसमें हम ये जो प्याज टमाटर काट के रखा था चॉप करके, इसे भी इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी पीस लेंगे। तो हमने ये पीस करके इसे इसका फाइन पेस्ट बना लिया है। अब हम इसी कढ़ाई में, इसी ऑयल में ये कद्दू डाल करके इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। हम इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे, फ्राई करके इसे निकाल लेंगे। अच्छे से फ्राई करना है इसे ऑयल में। हमने ये फ्राई करके निकाल लिया है। अब हम इसी ऑयल में, हमने ये लहसुन ले लिया था इसे इमाम दस्ते में थोड़ा सा कूट लिया था, डाल देंगे लहसुन को थोड़ा सा भून लिया। अब हम इसमें हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे, तो ज़्यादा से नहीं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम इसमें ये लाल मिर्च, हल्दी और नमक ऐड कर देंगे, और ये किसी हुए प्याज टमाटर भी ऐड कर देंगे।
सभी को डाल करके भून लेंगे। बहुत से लोगों को कद्दू की सब्जी नहीं पसंद होती है, तो आप अगर मेरी तरह से बना के खाइएगा बहुत ही मज़ेदार आपको लगेगी, बहुत ही टेस्टी बनती है ये। अब हम इसे भून लेंगे और जब इसमें से ऑयल सेपरेट होने लगेगा तो इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और फ्राई की हुई कद्दू को इसमें ऐड करके थोड़ा सा पानी डाल करके लिड से बंद कर देंगे। आप चाहे तो इसमें खटाई पाउडर या साबुत खटाई जो आती है आम की, उसे भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालने के बिल्कुल ज़रा सी दही, थोड़ी सी अगर आप डालना चाहें तो डालें दही, ना डालना चाहें तो ना ऐड करें, कोई ज़रूरी नहीं है। अब हम इसे भी साथ में भून लेंगे। तो अब इसमें से ऑयल सेपरेट होने लगा है, तब हम इसमें कद्दू ऐड कर देंगे। थोड़ा सा चला लेंगे, मिला लेंगे। आप नमक मिर्च अपने हिसाब से डालिएगा जितना आप खाते हो। और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी, वाटर यानी इसमें डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर धीमी आंच पर पकने देंगे। जब ये कद्दू गल जाएंगे तो उसके बाद इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और फिर इसे भून लेंगे और भून के डिश आउट कर लेंगे। अब हम इसे लीड से बंद कर देंगे और 10-15 मिनट तक इसे पकने देंगे। जब कद्दू गल जाएगा तो इसे ऑफ कर देंगे इसका फ्लेम। ये देखिए कद्दू गल गया है, हम इसे भून लेंगे। इसका फ्लेम हाई कर देंगे और इसे भून लेंगे अच्छे से ऑयल सेपरेट होने तक। ये भून गया है और हम इसको थोड़ा सा ग्रेवी के लिए हल्का सा वाटर ऐड करेंगे, पानी। अगर आपको ग्रेवी नहीं बनानी है तो आप ऑर्डर में ऐड कर लीजिएगा। तो इसे लीड से बंद कर देंगे, उसके बाद इसे सर्व कर लेंगे। अब हम कद्दू की सब्जी को डिश आउट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी कद्दू की सब्जी रेडी है। इसके ऊपर थोड़ा सा ये चॉप कोरिएंडर लीव्स से भी डाल देंगे। हमने कोरिएंडर लीव्स को अच्छे से धो लिया था और काट लिया था। अब आप इसे पराठे से या रोटी से खाएं, बहुत ही टेस्टी होती है ये सब्जी।
मेरे तरीके से बना के देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा हमें। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए। अल्लाह हाफिज़।